हेलो एवरीवन वन मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया के नंबर वन प्लेटफॉर्म आन अकेडमी पर अगर क्लासेस स्टार्ट हो गई हो तो क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है ठीक है ना तो क्लास भाई स्टार्ट हो गई है जल्दी से शेयर कर दे क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे आते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है अच्छा थोड़ा नहीं ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप लोग क्लास को शेयर क्यों नहीं करते जरा एक बार अपने आत्मा से पूछो कि अच्छा लगता है क्या बस क्लास देख रहे हैं मैम शेयर नहीं करेंगे भाई देखो और लोगों के बच्चे कितने अच्छे होते हैं कि शेयर करते हैं क्लास को एक आप लोग क्लास को शेयरिंग नहीं करते हो आप जब तक तो क्लास को शेयर नहीं करेंगे तब तक तो कौन करेगा भाई हमारा जो काम है वो तो हम करें ना जो आपका काम है एटलीस्ट आप तो वो काम कर सकते हैं अच्छा समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां तक आप देख ही पा रहे हो भाई टॉपिक आज का कुछ रहने वाला है एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहने वाला है यहाँ पर मेरा नाम आपको पता ही है सारी चीजें ठीक है ना लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देखिए फिर से हम लोग चलेंगे मिसलेनियस पे ठीक है ना तो समझेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक अच्छा सा पजल के बारे में सोचेंगे समझेंगे और पूछेंगे ज्ञान प्राप्त करेंगे है ना सात मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी कॉलेज में सोमवार से रविवार तक समान सप्ताह के विभिन्न दिनों में विभिन्न खेल खेलते हैं अर्थात फुटबॉल हॉकी क्रिकेट बैडमिंटन वॉलीबॉल टेनिस और बेसबॉल लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में खेल रहे हों है ना बेसबॉल खेलने वाले और ए, और ए जो मंगलवार को नहीं खेलता बाद में बात करते ठीक है समझेंगे पहले क्या कह रहा है पहले कह रहा है सात मित्र हैं सोमवार से रविवार तक समान सप्ताह में खेलों को खेलते हैं जब सात मित्र हैं सोमवार से रविवार तक खेलों को खेल रहे हैं तो आपको एक चीज तो हंड्रेड परसेंट पता होगा ना क्या कि भाई सप्ताह में अगर सात दिन है सात मित्र हैं तो सप्ताह में भैया यहाँ से जो सप्ताह आप मैम शुरू करोगे मंडे ट्यूजडे छोटा छोटा लिख रहे हैं, नहीं तो अटेगा नहीं ट्यूजडे वेन्सडे थर्सडे है ना पूरा रविवार तक ना थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ठीक है ना समझ में आ गया ठीक है क्लियर हुई बातें कि नहीं हुई आगे देखो यहाँ पे वीक हो गए अब यहाँ पे पर्सन हो जाएंगे और यहाँ पे क्रिकेट यहाँ पर पर्सन हो जाएंगे और यहाँ पर गेम हो जाएगा है ना यहाँ पर पर्सन यहाँ पर गेम ठीक है अच्छा साथ मित्र हैं क्रिकेट को खेल आगे देखते हैं। बेसबॉल खेलने वाले व्यक्ति जो व्यक्ति बेसबॉल खेल रहा है और ए जो मंगलवार को नहीं खेलता मतलब जो ए पर्सन है वो इस मंगलवार को नहीं खेलेगा तो ए जो मंगलवार को नहीं खेलता उनके मध्य चार मित्र खेलते हैं ए पहली बात ए, ये है कि जो ए है वो मंगलवार को नहीं खेलता और जो व्यक्ति बेसबॉल खेलता है वो बेसबॉल से लेकर के ए के बीच में कितने व्यक्ति खेलते हैं चार व्यक्ति खेलते हैं ठीक है ना कितने व्यक्ति खेलते हैं चार व्यक्ति खेलते हैं तो हम थोड़ा सा समझते हैं अच्छा बेसबॉल से बीस शुक्रवार और रविवार को खेल नहीं खेलता अच्छा आगे बढ़ते हैं सी वॉलीबॉल खेलता है ठीक है अच्छा एक चीज़ हम बना सकते हैं कि नहीं मान लो मान लो ये यहाँ नहीं रहा है ना तो दो पर्सन का कंडीशन दो बनाओ पर्सन का कंडीशन दो बनाओ समझो पर्सन का कंडीशन कितना बनाओ दो बनाओ एक बार आप ऊपर रख दो यहाँ पर बेसबॉल को बेसबॉल को है ना इसका भी कंडीशन दो बनाओ गेम का भी कंडीशन दो बनाओ एक बार आप रख दो बेस बॉल को ऊपर तो क्या कह रहा था कि बेस बॉल खेलने वाले और ए जो मंगलवार को नहीं खेलता उनके मध्य चार मित्र हैं तो एक दो तीन चार एक कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा इसके अकॉर्डिंग ठीक है ना इसके अकॉर्डिंग ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ अब हम एक को यहां भी तो रख सकते हैं मैम अगर आप एक को डबल साइन बना दो यहाँ पे अगर आप एक को यहाँ पे रखते हो तो एक दो तीन चार बेस बॉल को कहां रखना पड़ेगा यहाँ पर रुक रुक जा, रुक जाओ जाओ बेस बॉल को कहाँ पर रखना पड़ेगा यहां पर ठीक है ना बेस बॉल समझ में आ रहा है आपको हम कैसे बना रहे हैं हम दो कंडीशन लेके चल रहे हैं तभी आपको समझ में आएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा अच्छा आगे बढ़ते हैं केवल क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति एफ और डी के मध्य खेलता है केवल क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति ही एफ और डी के मध्य खेलता है तो जहां एफ और डी होंगे जहां एफ और डी होंगे उनके मध्य केवल एक क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति ही बैठेगा अच्छा आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो बैडमिंटन खेलता है वो एफ के ठीक बाद खेलता है जो भी व्यक्ति बैडमिंटन खेलेगा वो एफ के ठीक बाद बैडमिंटन वाला बैडमिंटन खेलेगा है ना अच्छा आगे बढ़ते हैं आ, बी शुक्रवार और रविवार को खेल नहीं खेलता मतलब जो बी होगा जो बी होगा इसमें और जो बी होगा इसमें नहीं आएगा अच्छा आगे बढ़ते हैं और वह क्रिकेट नहीं खेलता और बी जो है ये बी जो है वो क्रिकेट भी नहीं खेलेगा आगे बढ़ते हैं बी के पहले क्रिकेट खेलता है लेकिन बी के ठीक पहले नहीं खेलता ई जो है बी के पहले क्रिकेट खेलता है लेकिन क्या ठीक पहले खेलता है ऐसा नहीं जानकारी में दिया हुआ है सी वॉलीबॉल खेलता है ठीक है सी वॉलीबॉल खेलता है वह व्यक्ति जो टेनिस खेलता है वह बुधवार को खेलता है टेनिस वाला व्यक्ति बुधवार को खेलता है तो इस बात की गारंटी है कि बुधवार को टेनिस वाला खेलेगा बुधवार को टेनिस वाला खेलेगा दोनों में बना दिया है ना वह व्यक्ति जो फुटबॉल खेलता है वह शनिवार को नहीं खेलता फुटबॉल वाला व्यक्ति शनिवार को अगर नहीं खेलता है फुटबॉल तो मतलब फुटबॉल वाला व्यक्ति जो है फुटबॉल फुटबॉल शनिवार को नहीं खेलना है है ना अच्छा आगे बढ़ते हैं जी बैडमिंटन खेलने वाले व्यक्ति के ठीक बाद नहीं खेलता जो जी है वो बैडमिंटन खेलने वाले व्यक्ति के बैडमिंटन यहाँ पे है ना जी जो है बैडमिंटन खेलने वाले व्यक्ति के ठीक बाद नहीं खेलता डी uh, टेनिस नहीं खेलता है डी जो है वो टेनिस नहीं खेलता है देखो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि प्रॉपर एक होता ना सीक्वेंस वाइज जानकारी जो दी हुई है वो नहीं यहाँ पर दी हुई है आपको प्रॉपर जो जानकारी सीक्वेंस वाइज देनी चाहिए थी वो नहीं दी सी वॉलीबॉल खेलता है अच्छा अगर सी भाई साहब वॉलीबॉल खेलते हैं तो सी किस दिन खेलेंगे हमें नहीं पता लेकिन एक बात की गारंटी आपको पता है वो ये है कि पहली बात बी यहां पर नहीं होगा क्या बन सकता है बी संडे को भी नहीं होगा बी फ्राइडे को भी नहीं होगा तो बी फिर होगा कहाँ पता नहीं डी क्या करता है डी टेनिस नहीं खेलता भैया आपको बना डी टेनिस खेलता है डी यहाँ e पर अगर मान लो सपोज इसमें हम डी को यहाँ पर रखते हैं सपोज एक बात मानो डी को अगर यहाँ पर रखते हैं तो डी और एफ के बीच में एक जानकारी यहाँ पर हो सकती है और यहाँ पर हम क्रिकेट को बैठा सकते हैं समझो क्रिकेट को बैठा सकते हैं उसी प्रकार से समझो बात को समझो 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 एक मिनट उसी प्रकार से डी को यहाँ पर रखो और डी और एफ के बीच में यहाँ पर और यहाँ पर आप क्रिकेट को बैठा सकते हो क्रिकेट को बैठा सकते हो एक मिनट रुक जाओ अरे यार यही तो प्रॉब्लम है इसमें यहाँ पर क्रिकेट को बैठाओ ठीक है ना क्रिकेट को ठीक है समझ में आ रहा है अच्छा देखो न्... एफ के ठीक बाद बैडमिंटन वाला खेलेगा अगर देखो एफ के ठीक बाद बैडमिंटन वाला खेलेगा तो यहाँ पर क्रिकेट आ गया तो ये वाला आपका गलत हो गया अब समझो बात को ये वाला आपका लाइन गलत हो गया मतलब ये आपका फॉलो नहीं करेगा ठीक है ना ये आपका फॉलो नहीं करेगा देखो पूरा मिटाना पड़ा हम समझो बात को अभी हम बना देते हैं हमें याद है पूरी चीजें देखो एक दो तीन चार पांच छ और सात है ना यही तो था यहाँ पर गेम था यहां पर बेसबॉल बनाया था बेसबॉल यहां पर क्रिकेट लिखा था और यहां पर क्या था बुध बुधवार को कुछ खेला जा रहा था ना? बुधवार को क्या खेला जा रहा था डी टेनिस नहीं खेलता बी शुक्रवार रविवार को नहीं खेलता सी वॉलीबॉल खेलता है यहाँ पे कुछ बना था क्या बनाया था मैंने हाँ एफ के ठीक बाद वाला बैडमिंटन बैडमिंटन ये तो बनाया था ठीक है ना? अच्छा अब क्या कह रहा है डी टेनिस नहीं खेलता है? ठीक है तो डी को हम टेनिस खिला भी कहा रहे हैं ठीक है बी यहां पर नहीं बैठेगा बी यहाँ पर नहीं बैठेगा तो बी कहाँ बैठेगा एक ही तो प्लेस बचा बी यहां बैठेगा क्यों क्योंकि बी जो क्रिकेट भी तो नहीं खेलता तो बी यहीं पर बैठेगा बी क्या खेलेगा साफ सा पता चल रहा है बी जो है भैया बैडमिंटन खेलेगा ठीक है ना अच्छा अब जो है बी का काम खत्म हो गया बी के ऊपर ई कहीं है लेकिन ठीक ऊपर है ऐसा नहीं कहा है तो ई को यहीं पर तो एक जगह बची बैठाने के लिए बची कि नहीं बची अच्छा अब आगे चलते हैं क्या कह रहा था बैडमिंटन के ठीक वाला बाद वाला व्यक्ति जी नहीं होना चाहिए तो जी को यहाँ पर बैठाओगे एक व्यक्ति और बचा है ए बी सी सी बचा है ना तो सी को आप फ्राइडे में बैठा दो सी को फ्राइडे में बैठा दो और सी खेल क्या रहा है सी क्या खेल रहा है वॉलीबॉल खेल रहा है बॉली बॉल ball. अच्छा वह बुधवार को खेलता है जो व्यक्ति टेनिस खेलता है वह बुधवार को खेलता है तो ये टेनिस हो गया अच्छा दो व्यक्ति बचे हैं दो व्यक्ति बचे हैं कुछ तो दिया हुआ है डी टेनिस खेलता है जी बैडमिंटन खेलने के बाद है अच्छा वह वह बुधवार वह व्यक्ति जो फुटबॉल खेलता है वह शनिवार को नहीं खेलता फुटबॉल वाला शनिवार को नहीं खेलता तो ये फुटबॉल खेलेगा अब एक और बचा गेम कौन सा हॉकी हॉकी इसमें जाएगा लो जी बन गया आपका कोई दिक्कत की बात परेशानी की बात तो नहीं हुई ना बन गया आराम से कोई दिक्कत नहीं ना अच्छा निम्नलिखित में से कौन मंगलवार को खेलता है मंगलवार को कौन खेलता है मंगलवार को खेलता है ई भाई साहब या वह व्यक्ति जो इसके पास क्रिकेट है आगे बी निम्नलिखित में से किस दिन पर खेलता है बी किस दिन पर खेलता है थर्सडे को इनमें से कोई नहीं थर्सडे को आगे एफ लेकिन में से कौन सा खेल खेलता एफ टेनिस खेलता भाई साहब बी आगे बड़े आराम से आंसर ई e और ए के मध्य कितने दोस्त हैं ई e और ए के मध्य ई यहाँ ए दो तीन कितने दोस्त हैं तीन दोस्त वेरी गुड आगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति हॉकी खेलता है हॉकी कौन खेलता है ए भाई साहब ऑप्शन नंबर बी बोलो समझ में आया क्या चलो आगे बढ़ते हैं और अगर आपने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टॉल कर ले गेट स्टार्ट पर क्लिक करें नंबर को रजिस्टर करें रेफरल कोड मांगेगा उसमें आप ये वाला रेफरल कोड अगर यूज करते हैं तो टेन परसेंट का डिस्काउंट के साथ आपको ऑफर भी मिलता है अपने फेवरेट टीचर से पढ़ें गोल को सेलेक्ट करें स्पेशल क्लास के फीचर्स को आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेनिफिशरी आपके साथ प्लस से जुड़े प्लस से जुड़ने का मतलब है कि आप देखिए सारी फायदे आपको मिलते हैं एक मेंटरशिप का गाइडेंस मिलता है स्टडी मटेरियल सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहती है ट्वेल्व मंथ के सब्सक्रिप्शन पे टू मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है ट्वेंटी मंथ पे थ्री मंथ का फ्री मिल रहा है यहाँ पर अगर आपकी रैंक एक से लेकर पच्चीस के बीच में आती है तो आपको मिल जाता है स्कॉलरशिप यहाँ पर जितने भी सीरीज हैं बिल्कुल फ्री में फ्री में फ्री में तो यहाँ पर देखिए फिर आ गया है क्वेश्चन कोडिंग डी कोडिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हो कोई भी तो कोडिंग डी कोडिंग आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है अच्छा ये इक्वेशन वन वही सेम प्रोसेस इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर अब देखो देखो ई एन कहाँ कहाँ कॉमन है ई एन मैम पहले में कॉमन है और मैम किसी में कॉमन नहीं है तो ई एन की बात मैम आप क्यों कर रहे हो छोड़ दो ई एन को छोड़ दो आई एन किस में कॉमन है इन इन मैम पहले में कॉमन है इन मैम चौथे में कॉमन है तो पहले और चौथे में केवल क्या कॉमन है केवल पहले और चौथे में बात करें मैम तो आई थिंक किंग इज द कॉमन तो जो मैम किंग है किंग का जो कोड हो जाएगा इन हो जाएगा है ना अच्छा अब देखिए जीएम कहीं कॉमन है क्या यस मैम जीएम पहले में दूसरे में और लास्ट वाले में तो पहले दूसरे और लास्ट वाले में क्या कॉमन है रिजाइन है ना तो पहले दूसरे और तीसरे में रिजाइन इज द कॉमन तो रिजाइन तो क्या हो जाएगा जीएम अब यहाँ पे ई एन बचा ई एन का कोड क्या बचेगा क्वीन तो क्वीन का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा ई एन सीवाई कहीं कॉमन है यस yes, मैम दूसरे में तीसरे में तो दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है केवल दूसरे और तीसरे में टाउन इज द कॉमन तो जो टाउन है उसका जो कोड है वो हो जाएगा सीवाई डब्लू एन बचा डब्लू एन का कोड लिगेसी 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 का कोड क्या हो जाएगा डब्लू और एन ठीक है ना जी डी किसी में कॉमन है नहीं पीओ किसी में कॉमन है नहीं तो जी डी और पीओ का जो कोड हो जाएगा होप या गुड में से कुछ रहेगा है ना तो होप या गुड में से किसी एक का कोड या तो जी होगा या तो पीओ होगा कर लोगे आई एफ बचा नाइफ बचा तो नाइफ का क्या हो जाएगा आई एफ इफ ठीक है ना कर लोगे आप बहुत बार बता चुके इसको तो आप आप कर ही लोगे ठीक है ना अब आप सिंपल सी बात है इसी पर बेस्ड जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लग जाएंगे ठीक है ना पे सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे ठीक है तो चलिए जल्दी से भाई क्लास को शेयर कर दे लाइक कर दे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो भाई शेयर कर दिया करो क्लास को जितने भी सीरीज़ हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में चल रहा है आप प्लस से जुड़े फ़ायदा होगा आप ऐप से जुड़े बहुत फ़ायदा होगा तो आपको फ्री में सारी बैचेस मिल रहे हैं बहुत सारे बैचेस नए हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं पता कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम बैच कोर्सेज के बारे में जानने से पहले यहाँ पर बढ़ते हैं कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना जिसका है जिसका प्राइस है तेरह हज़ार छः सौ अगर आप दो साल का लेते हैं मेरे रेफरल कोड पे अगर आप यूज़ करते हैं तो बारह हज़ार दो सौ चालीस का ही मिलेगा टेन परसेंट के डिस्काउंट पर सुपर कम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफ़र आपके डिमांड पर है ले सकते हैं फ़ायदेमंद है आपके लिए जितने भी बैचेज हैं सब में आप अपने आप को इनरोल करें और पढ़ाई करना स्टार्ट करें मैंने आपको बताया था मैंने आपको क्या बताया था ये वाला क्या बताया था कि आपको कैसे पढ़ना है है ना मैंने बताया था आपको कि ये जितने भी आपके सीरीज हैं सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट है आप इसको कैसे करना है तो एक क्वेश्चन आपको घर से हम होमवर्क के लिए देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा फायदा हो तो क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा ठीक है ना ये सारे क्वेश्चन आप घर से एक बार से करके लाइएगा फिर हम आपसे नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन जौर करें फायदा होगा उस पर आपके डाउट क्लियर होते उस पर और आपके सेशन पता चलते हैं नोटिफिकेशन मिलता है। सारी चीज़ें पी मिलता है पी के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम के चैनल के लिए तो थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें और वायरल करें ठीक है ना तो आज के लिए बस इतना ही ओके ब बाय टेक केयर धन्यवाद बाय